एफएससी बायोलॉजी पार्ट टू चैप्टर नंबर 23। आज हमने इसका टॉपिक स्टार्ट करना है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनमें हम फौरन डीएनए इंसर्ट कर देते हैं, इस तरह के प्लांट्स को बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। इसमें हम फौरन जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं प्लांट्स में, और डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो ये आता है कि हम इमेच्योर प्लांट का एम्ब्रियो लेते हैं और एम्ब्रियो में जीन इंसर्ट करवा देते हैं। इससे जो एम्ब्रियो डिवेलप होता है उससे जो नया प्लांट बनता है वो असल में ट्रांसजेनिक प्लांट बनता है। एक टेक्निक तो ये आ जाती है। दूसरा है जीन्स को हम प्लांट सेल में भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि पहले प्लांट सेल एक प्लांट सेल लेते हैं। हम बताएं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, उसकी सेल वॉल को पहले रिमूव करवाते हैं। उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होता है दैट इज़ द प्रोटोप्लास्ट। फिर उसके प्रोटोप्लास्ट में जो है वो फॉरेन जीन इंसर्ट करवा देते हैं। अब इसके लिए टेक्निक क्या होती है कि प्रोटोप्लास्ट जो है उसमें फॉरेन जीन इंसर्ट करवाने के लिए प्रोटोप्लास्ट को हम एक लिक्विड कंटेनिंग फॉरन डीएनए यानी कि एक लिक्विड मीडियम में रखते हैं। लिक्विड के उसी लिक्विड के अंदर हमने फॉरन डीएनए रखा होता है, उसमें प्रोटोप्लास्ट को उसके अंदर रखते हैं। अब वो जीन इसके अंदर जाता कैसे है? प्रोटोप्लास्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट, हम प्रोटोप्लास्ट यानी कि वो जो लिक्विड है उसमें इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो है वो पोर्स हो जाते हैं। अब ये जो पोर्स होते हैं ये सेल्फ सीलिंग यानी कि प्रोटोप्लास्ट दोबारा से इन पोर्स को सील कर लेता है। सेल्फ सीलिंग में उनमें पोर्स बन जाते हैं और ये पोर जो हैं बाद में बंद हो जाते हैं। ये जो पोर प्रोड्यूस होते हैं इन पोर्स के थ्रू फॉरन डीएनए जो है वो इंसर्ट हो जाता है प्रोटोप्लास्ट के अंदर, डीएनए के अंदर इंसर्ट हो जाता है। और इस तरह इस प्रोटोप्लास्ट से दोबारा जब डिवेलपमेंट होती है तो पूरे का पूरा नया प्लांट जो है बन जाता है। तो ये दो मेथड आ जाते हैं जिसमें हम ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, एक तो इमेच्योर एम्ब्रियो के जरिए, दूसरा जो है वो प्रोटोप्लास्ट टेक्निक के थ्रू। अब इनसे हमने जो ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस कर लिया है उससे हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है कि किस किस्म के हमने ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो बनाए हैं और किस पर्पज़ के लिए वो यूज़ होते हैं। फर्स्ट आ जाता है कि जो हम ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं इनको हम यूज़ करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट। पेस्ट को ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि फसलों को तबाह कर देते हैं। अब ये फॉरेन जीन्स जो कि हमने ट्रांसजेनिक प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाया होता है ये इंसेक्ट को इंसेक्ट के लिए टॉक्सिन होता है, यानी कि कोई भी इंसेक्ट जब उस रेलिवेंट क्रॉप पे उस फसल पे जब हमला करता है क्योंकि हमने उस क्रॉप के अंदर कोई स्पेसिफिक किस्म के जीन इंसर्ट करवाए होते हैं, इसलिए जब कोई पेस्ट कोई कीड़ा वगैरह उस पर अटैक करता है तो उसकी क्योंकि वो टॉक्सिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो ऐसी टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं प्लांट जिससे उस इंसेक्ट की उस पेस्ट की जो है वो डेथ हो जाती है। अब ये जो प्लांट जिनमें हमने फॉरेन जीएनए पेस्ट रेजिस्टेंट के लिए इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है इसमें कॉटन कॉर्न पोटैटो प्लांट आ जाते हैं। और ये जो एग्जांपल दी है कॉटन कॉर्न पोटैटो ये बेस्ट प्लांट की एग्जांपल दी गई है। उसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट में हर्बिसाइड रेजिस्टेंट भी आ जाते हैं। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट जो है इनमें सोयाबीन हमने प्रोड्यूस किया हुआ है, साइंटिस्ट ने सोयाबीन प्रोड्यूस किए, सोयाबीन प्लांट जो कि बहुत सी कॉमन हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट हैं। कुछ कॉर्न और कॉटन प्लांट जो हैं वो पेस्ट और हर्बिसाइड दोनों से ही रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस किए हैं। उसके बाद आ जाता है कि थर्ड ट्रांसजेनिक प्लांट का पर्पस इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, यानी कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्लांट में कुछ स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन्स स्टार्च के कंटेंट्स इंक्रीज करवा सकते हैं। और इस तरह जब हम प्रोटीन और स्टार्च कंटेंट जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, मॉडिफाइड ऑयल अमाइनो एसिड की कंपोजिशन जो है वो चेंज करवा सकते हैं। 1999 में ट्रांसजेनिक क्रॉप जो थी वो प्लांट की गई थी और इसके लिए 70 मिलियन एकड़ एरिया जो था वो
लिया गया था, और इससे एक्सपेक्ट किया गया कि ट्रिपल यानी कि ट्रिपल अमाउंट ऑफ 5 ईयर में जितनी भी क्रॉप पहले ही प्रोड्यूस होती थी, और जब मॉडिफिकेशन की गई, जब जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस किए गए, तो ट्रिपल अमाउंट में उससे जो था वो एक्सपेक्टेड उसके रिजल्ट थे, यानी कि इतनी उससे प्रोडक्शन हुई थी। इसके अलावा क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एग्री बिजनेस बहुत सी एग्री बिजनेस कंपनीज जो हैं वो ट्राई कर रही हैं ट्रांसजेनिक वैराइटीज वीट की, राइस की और कॉर्न की, इनकी, ताकि वो एग्री बिजनेस को बढ़ा सकें। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि 1960s में लॉन्च हुआ था, जिसमें हाई यील्ड हाइब्रिड प्लांट जो थे वो डेवलप किए गए थे, और इसमें ग्रेन की प्रोडक्शन जो है, यानी कि ग्रेन्स की, क्योंकि हम ग्रेन ही खा रहे होते हैं, जो जो भी ये जो गंदम चावल वगैरह ये सारे ग्रेन्स में आ जाते हैं, इससे ग्रेन की प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज की गई है। उसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट में जो है जब हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, उससे जो है वो अल्टरनेशन इन स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा की में जो है वो कुछ अल्टरेशन आती हैं। कैसे अल्टरेशन, यानी कि स्टोमेटा, क्योंकि हमें स्टोमेटा का पता है कि स्टोमेटा वो पोर्स होते हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर होनी होती है, तो ट्रांसजेनिक प्लांट जो है इसमें हम जीन इंट्रोड्यूस करवा के स्टोमेटा का नंबर जो है वो इंक्रीज करवा देते हैं, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी इनटेक इंक्रीज करवाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो। इसके अलावा RUBP की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करवाते हैं। RUBP राइबुलोज बिसफॉस्फेट एंजाइम, इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करवाते हैं, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है वो RUBP राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो कि कैप्चर कर रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट में, इसकी एफिशिएंसी को जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इंक्रीज करवाते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा फिक्सेशन हो सके। और उसके अलावा इंट्रोडक्शन किया गया है C4 साइकिल इन राइस, राइस में C4 प्लांट्स का। अब C4 प्लांट कौन से होते हैं जिनमें C3 और C4 प्लांट, असल में हम उसकी प्रोडक्ट के हवाले से ये नाम देते हैं, वो प्लांट जो के C4 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, जो उनकी प्रोडक्ट होती है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड होती है, उसे C4 प्लांट बोलते हैं। इसमें जो है एक जापानीज टीम ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया C4 साइकिल राइस के अंदर, और ये C4 साइकिल जो है वो RUBP की एफिशिएंसी को इंक्रीज करवाते हैं हम, ताकि जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकें। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, कुछ जीन जो है वो प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, ताकि हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है वो प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि प्लास्टिक की हमें पता है कि लाइफ टाइम इसका जो है वो ज़्यादा होता है, हाफ लाइफ इसकी ज़्यादा होती है, इसकी डिकम्पोजिशन जल्दी नहीं होती, तो कुछ जीन जो है वो प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी गई है एक वीड की, माउस एयर्ड क्रेस की, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यानी कि पोली हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट इसको जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है इस वीड को, और इसमें ये जीन ट्रांसफर किया गया है जो कि प्लास्टिक को डिग्रेड कर सके। बायोडिग्रेडेबल का वर्ड ही हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं डिग्रेड करने के लिए। उसके अलावा जो है ह्यूमन प्रोडक्ट, बहुत सी ह्यूमन प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस के लिए हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं, जिस तरह बहुत से प्लांट जो है जेनेटिकली इंजीनियरिंग की गई है बहुत से प्लांट्स की, ह्यूमन हॉर्मोन प्रोड्यूस करने के लिए बहुत से, जिसमें क्लोटिंग फैक्टर आ जाता है। क्लोटिंग फैक्टर जो है जो हीमोफीलिया की डिजीज़ में जो है वो यूजेबल होता है, क्योंकि हम पता है हीमोफीलिया में जब कोई जो है कट लगता है तो ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती, तो क्लोटिंग फैक्टर जो है वो क्लोट करवाते हैं ताकि ब्लड जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ जो है वो प्लांट्स में इंट्रोड्यूस की गई हैं,
जो कि मेडिसिन की फॉर्म में खाते हैं हम प्लांट में, वो जीन्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जिससे प्लांट जो है वो नेचुरली ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। और बहुत सी एंटीबॉडीज जो है वो कॉर्न प्लांट में जो है वो रेडियो आइसोटोप्स के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस की गई हैं। इसके अलावा सोयाबीन में जो है वो जेनिटल हर्ब्स, यानी कि इस डिजीज से, सेक्सुअल डिजीज में आ जाती हैं, जेनिटल हर्ब्स के ट्रीटमेंट के लिए सोयाबीन में एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस की गई हैं। इसी तरह कॉर्न में एंटीबॉडी जो है वो ट्यूमर सेल्स के जो है उसके लिए, रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो ट्यूमर सेल्स को शो करने के लिए कॉर्न्स में प्रोड्यूस की गई है। प्लांट से जो हम एंटीबॉडीज लेते हैं वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, और इसके लिए कोशिश की जा रही है कि जो है वो हम प्लांट्स के जरिए जो है वो बहुत सी एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस कर सकें।